हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए अनगिनत रेमेडीज ट्राई करने के बाद भी अगर आपको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना काफी जरूरी है। आज के वीडियो में हम जानेंगे बालों को मजबूत और घना बनाने के 10 तरीकों के बारे में। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का और एक हेयर केयर का वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा, स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे बालों को मजबूत और घना बनाने के 10 तरीकों के बारे में। डॉक्टर्स ये कहते हैं अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करोगे तो शरीर के बहुत सारे समस्याओं का समाधान आपको मिल सकता है, चाहे वो आपकी त्वचा से जुड़ी हो या फिर वो आपके बालों से जुड़ी हो। इसीलिए हर दिन 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। अगर जिम में जाकर एक्सरसाइज करने में आप कंफर्टेबल नहीं है तो घर पे ही आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। YouTube में आपको ढेरों सारे वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखिए, सीखिए और घर में हर दिन एटलीस्ट 15 मिनट एक्सरसाइज जरूर कीजिए। कहते हैं अच्छा खाना स्वस्थ जीवन का आधार होता है, इसीलिए खाने में सही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपको ज़रूर लेना चाहिए। आजकल हम बहुत ज़्यादा पैकेट फूड्स खाते हैं, लेकिन पैकेट फूड्स को आपको ज़रूर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पैकेट फूड्स खाने से आपको ओवरवेटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। चीनी कम खाया करें, ब्रोकली, बीट रूट, स्वीट पोटैटो और चिया सीड्स को खाने में ज़रूर लें। भृंगा ऑयल ना ही बालों को घना बनाती है बल्कि बालों की जड़ों को भी मजबूत करती है। ताज़ा भृंगा के पत्ते अगर आपको मिलते हैं उनको लीजिए और उनका एक पेस्ट तैयार करके उसके साथ कोई भी तेल मिलाकर आप घर पे होममेड भृंगा ऑयल तैयार करके बालों में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ताज़े भृंगा के पत्ते नहीं हैं तो मार्केट से ही आप रेडी टू यूज़ ऑयल भी ला सकते हैं, जैसे वेदिक्स का भृंगा ऑयल या फिर खादी नेचुरल का भृंगा ऑयल, जो बालों के लिए सच में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। टाइम की कमी सभी को होती है। अगर फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से बालों की देखभाल करने में कमी आ रही है तो आप रेडी टू अप्लाई हेयर ग्रोथ लोशन को भी अपने बालों में लगा सकते हैं। इनमें कुछ एक ब्रांड्स हैं जो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, जैसे सोमीज हेयर ग्रोथ लोशन या फिर आर्निका प्लस हेयर वाइटलाइजर। बालों की सेहत सही रखने के लिए हफ्ते में 2 दिन बालों को शैम्पू ज़रूर करना चाहिए। इससे हमारे स्कैल्प गंदे नहीं होते हैं और हमारे बाल ज़्यादा नहीं झड़ते हैं। शैम्पू के बाद ही तुरंत बालों को कंघी ना करें, क्योंकि भीगे बालों को अगर आप कंघी करते हैं इससे आपके बाल ज़्यादा झड़ सकते हैं। शैम्पू करने के बाद बालों को अच्छे से सुखा लीजिए। बाल जब अच्छे से सूख जाए उसके बाद बालों में एक अच्छा सा हेयर सीरम लगाइए और उसके बाद आप अपने बालों को कंघी कीजिए। अगर बाल हद से ज़्यादा फ्रीज हो रहे हैं तो कंडीशनर के बदले बालों में लगा सकते हैं हेयर मास्क। हेयर मास्क में आप केले का हेयर मास्क, एवोकाडो का हेयर मास्क, दही का हेयर मास्क अपने बालों में लगा सकते हैं। इससे आपके बाल नरिश भी होंगे और मॉइस्चराइज भी होंगे। कुछ कंपनी है जो रेडी टू अप्लाई हेयर मास्क बनाती है, जैसे एस्टी बोटानिका का एवोकाडो हेयर मास्क, लॉरियल पैरिस का हेयर नरिशिंग मास्क, इनको भी बालों में आप लगा सकते हैं। बढ़िया रिजल्ट पाने के लिए इन हेयर मास्क को लगाने के बाद 5 से 10 मिनट बालों में स्टीम हफ्ते में एक बार ज़रूर लिया करें। बालों को हेल्दी रखने के लिए 3 महीने में एक बार बालों को ट्रिम ज़रूर कर लें। बालों को ट्रिम करने के लिए सबसे पहले बालों को अच्छे तरीके से कंघी करके डिटैंगल कर लें, उसके बाद बालों को इक्वली 2 पोर्शन पर डिवाइड कर लें और कान के पास से सामने की तरफ लाएँ। उसके बाद बालों के निचले हिस्से को टाइट करके बांध दीजिए और उसके बाद कैंची की मदद से 1/2 इंच बालों का निचला हिस्सा काट दीजिए। ऐसे बालों को ट्रिम करने के बाद आपके बालों में स्प्लिटन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आपके बाल अच्छे तरीके से बढ़ेंगे भी। बालों को डीपली नरिश और कंडीशन करने के लिए एक हिना हेयर मास्क बहुत ही अच्छा काम करता है, इसीलिए महीने में 2 बार एक हिना हेयर मास्क बालों में आप लगा सकते हैं। इसको तैयार करना है काफ़ी आसान। इसके लिए आपको लेना है हिना। हिना में आप चाय पत्ती का लीकर डाल के पूरी रात भर भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन इसके साथ आपको दही, नींबू का रस और एक अंडा मिलाना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अगर आपको सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है इसके साथ आप थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर भी मिला सकते हैं या फिर कत्थे का पाउडर भी मिला सकते हैं।
इनका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए और अपने बालों को अच्छे तरीके से डिटैंगल करके बालों में अच्छे तरीके से लगा दीजिए। 20 मिनट रखिए और उसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। अगर आपको बालों में कलर करना है तो इसको सिर्फ पानी से धो डालिए और एक दिन के लिए वेट कीजिए। अगले दिन आप अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। इससे आपके बाल नरिश भी होंगे और बालों में अच्छा कलर भी आएगा। अगर आपके इलाके में भी हार्ड वाटर का प्रॉब्लम है, उसको दूर करने के लिए आप इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। गुड़हल हमारे बालों को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, तो गुड़हल का पानी आप अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं हार्ड वाटर की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। इसके लिए कुछ गुड़हल के फूल ले लीजिए और उनके साथ पानी मिला दीजिए। इनको अच्छे से स्मैश कर लीजिए और उसके बाद इसको छांग लीजिए। छांगने के बाद एक जार में ये वाला पानी रख दीजिए। शैम्पू करते टाइम बालों में इस पानी को अच्छे तरीके से लगा लीजिए। लगाने के बाद आप कुछ देर वेट कीजिए और उसके बाद अपने बालों को शैम्पू कर लीजिए। और अंत में एक बहुत ही यूजफुल टिप, अगर आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं, जैसे स्ट्रेट करते हो, कर्ल करते हो, तो बालों की स्टाइलिंग करने से पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपके बालों को हीट से बचाता है और बालों को झड़ने से रोकता है। इसके लिए बालों को अच्छे तरीके से कंघी कर लो और कंघी करने के बाद आप अपने बालों को हीट प्रोटेक्शन स्प्रे से स्प्रे कर दो। उसके बाद कुछ देर आपको वेट करना है और उसके बाद आप अपना स्टाइलिंग टूल लीजिए और अपने बालों को मनचाहा स्टाइल दीजिए। तो गाइज, ये थे कुछ यूजफुल टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपना हेयर फॉल कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवाल है, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाई।